हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से टी एंड कॉफी के साइड इफेक्ट को डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां हम ध्यान देंगे कि क्या टी और कॉफी के ज्यादा कंजप्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, अगर जो लोग लिमिटेड कंजप्शन करते हैं उनमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते, कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट जो लोग काफी ज्यादा कंजप्शन करते हैं उन्हीं को जो है प्रॉब्लम होती है। जनरली जो लोग 4 से 5 कप दिन का टी और कॉफी ले लेते हैं, तो उन लोगों में जनरली ये लॉन्ग टर्म तक अगर इस तरह से ही चाय कॉफी वो पीते रहेंगे तो उनको साइड इफेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में जानेंगे और इनके बारे में क्या इनके साइड इफेक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कॉफी और टी जो है, यहाँ पर देखिए कॉफी का हम क्या यूज करते हैं, बीन यूज करते हैं, और टी का क्या यूज करते हैं, लीफ यूज करते हैं। अगर हम इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो यहाँ पर कैफीन हमें मिलता है, तो कैफीन कितना मिल रहा है, 236 ml का अगर कप है हमारा तो उसमें 80 to 185 मिलीग्राम हमें क्या मिल रहा है, कैफीन मिल रहा है। और अगर टी में हम देखें तो 15 to 70 मिलीग्राम जो है कैफीन हमें पर कप मिल रहा है। कैफीन के अलावा जो है कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट इनमें मौजूद होते हैं, टैनिन इनमें मौजूद होता है, साथ ही साथ में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, ओके, इसके अलावा पॉलीफिनॉल्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं एंड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्लियर, और कुछ एंजाइम्स भी हमें मिलते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एनर्जी देते हैं, अमाइनो एसिड जो होता है पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड की वजह से ही जो ब्रेन की एक्टिविटी वो होती है, और ये जो फ्लेवोनॉइड्स पॉलीफिनॉल्स जो होते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी रखते हैं, साथ ही साथ में इसमें टेस्ट जो होता है बिटर टेस्ट तो टैनिन की वजह से आता है, फ्लेवोनॉइड्स में जो एरोमा होती है वो सब इनकी वजह से आती है। यहाँ पर देखिए टाइप ऑफ कंजप्शन कैसा है, ड्रिप कॉफी हम ले रहे हैं, एस्प्रेसो ब्रूड इंस्टेंट, डीकैफ ब्रूड, डीकैफ इंस्टेंट, प्लंजर एंड फिल्टर तरह की कॉफी होती है। साथ ही साथ में आप सभी जानते हैं कि हम जो टी यूज करते हैं मिल्क टी हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और उसके अलावा व्हाइट टी हो गई, ग्रीन टी, ओलोंग टी, ब्लैक एंड रेड टी, पोस्ट फर्मेंटेड टी, येलो टी एंड कुकीचा टी जो है यूज होती है। जनरली इंडिया में शुगर और मिल्क मिलाया जाता है, और इसके अलावा टी में जो है मिल्क शुगर के अलावा स्पाइसेस मिलाते हैं, जैसे कि अदरक हमने मिला दिया, लेमन जूस हो गया, लौंग हो गया, वो सब कुछ हमने मिला दिया। इतने इनके क्या साइड इफेक्ट है, अगर कॉफी का कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो जो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनकी वजह से, एक्सेस कंजप्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट आ जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा जो साइड इफेक्ट है वो रिड्यूस आयरन एब्जॉर्प्शन। आयरन हम सभी जानते हैं ब्लड बनाने के लिए, मतलब कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा, हीमोग्लोबिन इंक्रीज करने के लिए आयरन हमें चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, टी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, टैनिन काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, और ये टैनिन क्या करते हैं पर्टिकुलरली आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है, आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं, आयरन के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी वजह से क्या होना चाहिए, काफी सारे प्रदेशों जैसे कि पंजाब में हम लोगों ने देखा है कि ज्यादातर खाना खाते ही लोग जो है वो चाय पीते हैं या कॉफी लेते हैं। तो जैसे ही आपने फूड लिया, फूड के अंदर कुछ आयरन का कंटेंट होंगे, और इसके अंदर जो टी और कॉफी है उसके अंदर टैनिन होते हैं, वो आयरन के साथ बाइंड हो जाते हैं और आयरन का एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। इसीलिए खाना खाने के जस्ट बाद हमें चाय कॉफी नहीं लेनी चाहिए। यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को जो रेफरेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ था, रिसर्च आर्टिकल और रिव्यूज जो पब्लिश हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आर्टिकल्स, द इम्पैक्ट ऑफ टैनिन कंजप्शन ऑन आयरन बायोलिटी एंड स्टेटस। तो ये करंट डेवलपमेंट ऑफ न्यूट्रिशन में 2017 में पब्लिश हुआ था, इसको आप जाकर यहाँ DOI से जाकर आप इसको चेक भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड जो है हमारा, इंक्रीज एंजाइटी स्ट्रेस एंड रेस्टलेसनेस। तो जो काफी ज्यादा अगर आप कॉफी का कंजप्शन करेंगे, टी का कंजप्शन करेंगे, तो उसमें कैफीन काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, तो जो ओवर कंज्यूमिंग ऑफ कैफीन होता है उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है और रेस्टलेसनेस होती है। ये सिम्टम्स सभी लोगों में नहीं देखने को मिलेंगे, बट जिन लोगों में अगर देखने को मिलते हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, चाय और कॉफी का कंजप्शन जो है कम कर देना चाहिए, और ऐसी चाय कॉफी लेने चाहिए जिसमें कि क्या हो, कैफीन नहीं हो। ये भी आर्टिकल जो है कहाँ पब्लिश हुआ था, फ्रंटियर साइकेट्री में पब्लिश हुआ था 2017 में, DOI का ये है। एंड थर्ड, पुअर स्लीप कॉज करते हैं, आप सभी जानते हैं कि जो टी और कॉफी है वो तो हमारे ब्रेन को एक्टिव करती हैं,
तो उसकी वजह से क्या होगा, नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके अंदर कैफीन होता है और उसका एक्सेसिव इंटेक जो है स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करता है। बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी में मेलेटोनिन हार्मोन होता है और रात के टाइम पर जो मेलेटोनिन हार्मोन होता है, जब भी हमें नींद आने वाली होती है तो मेलेटोनिन का अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है। बट अगर हम चाय और कॉफी ले लेते हैं तो वो मेलेटोनिन का अमाउंट क्या कर देती है, कम कर देंगी। अगर मेलेटोनिन का अमाउंट और प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो उसकी वजह से नींद नहीं आएगी, तो इसीलिए हमारा स्लीप साइकिल गड़बड़ा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो रेफरेंस है, इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन स्लीप क्वालिटी एंड डे टाइम फंक्शनिंग, तो आप इस रेफरेंस को जाकर चेक भी कर सकते हैं। देन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है एसिडिटी की है, ज्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम है चाय और कॉफी की वजह से वो एसिडिटी की है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो लोग काफी ज्यादा चाय और कॉफी लेते हैं उनमें कैफीन बहुत ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाता है बॉडी में, और कैफीन की वजह से टोटल स्टमक एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। अगर टोटल एसिड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो उन लोगों में क्या होगा, बेसिकली जो कैफीन है वो एसिडिटी कॉज करेगा। तो ये रेफरेंस आप इस आर्टिकल को जाकर चेक कर सकते हैं, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जिन लोगों को भी एसिडिटी ज्यादा है वो लोग चाय और कॉफी का कंजम्पशन बिल्कुल कम कर दें तो उनको काफी रिलीफ मिलेगा। Then, suppress appetite, कॉफी जो है वो क्या करती है, एपेटाइट सप्रेस करती है, भूख कम करती है। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब कभी भी आप जो है टाइम से लंच और डिनर नहीं लेते और कॉफी वगैरह और टी ले लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें भूख नहीं लगती, ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा। तो ऐसी स्टडीज भी हैं, देखिए क्या स्टडीज थी जहां पर उन्होंने स्टडी किया था कि बेवरेज कंटेनिंग सोल्यूबल फाइबर एंड कैफीन एंड ग्रीन टी कैटेचिंस सप्रेस हंगर एंड लीड टू द लेस एनर्जी कंजप्शन एट द नेक्स्ट मील, क्लियर। तो ये स्टडी की गई थी, ये क्लिनिकल ट्रायल थी और ट्रायल में बताया गया था कि इस जो कैफीन सोल्यूबल फाइबर और जो कैटेचिंस होते हैं, टैनिन जो होते हैं, उनकी वजह से क्या होती है, भूख कम लगती है। तो जो लोग काफी ज्यादा चाय कॉफी लेते हैं आप लोगों ने देखा होगा उनको एसिडिटी और भूख ना लगने की समस्या हमेशा रहती है। देन प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर क्या होता है, देखिए दो चीजें हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को आयरन भी ज्यादा चाहिए, आयरन जो होता है Fe जो होता है वो ज्यादा चाहिए क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेग्नेंट वुमेन को ज्यादा चाहिए। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है और कॉफी का कंजप्शन ज्यादा करेगी तो क्या होगा, उनके अंदर आयरन का जो है एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, इसकी वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस है और जो बेबी होगा उसका जो वेट होगा वो कम वेट का होने के चांसेस है। तो काफी खतरे हैं इससे कैफीन से, तो इसका कंजप्शन कम ही होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो इसका ध्यान रखें जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। तो इसी का जो रेफरेंस है वो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसी रेफरेंस पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं। और एक और रेफरेंस है, यहाँ पर भी शो किया हुआ था कि जो है कैफीन की वजह से जो है क्या हो सकता है, फर्टिलिटी पर इफेक्ट आ सकता है। देन हार्ट बर्न की जो समस्या है, हार्ट बर्न भी होता है क्योंकि क्या करता है, कैफीन में कॉज हार्ट बर्न और एग्रेवेट प्री एग्जिस्टिंग एसिड रिफ्लक्स सिम्टम्स। तो यहाँ पर होता क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखिए ये हमारा ईसोफेगस है और ये हमारा क्या है, स्टमक है। ईसोफेगस और स्टमक पर हमारे स्फिंक्चर होता है, ठीक है। कैफीन बेसिकली क्या करता है, इस स्फिंक्चर को रिलैक्स करता है। अगर ये स्फिंक्चर रिलैक्स हो जाएगा तो जो भी एसिड स्टमक में प्रोड्यूस हो रहा है वो एसिड कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ ईसोफेगस में मूव कर जाएगा और उसी वजह से आपको क्या होगा, हार्ट बर्न होगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे गले में एसिड आ रहा हो, ठीक है। तो यही सब कुछ रिसर्च में दिखाया गया था कि इफेक्ट ऑफ कैफीन ऑन लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्चर प्रेशर इन थाई हेल्दी वॉलंटियर। तो ये भी एक क्लिनिकल ट्रायल थी जो 2006 में हुई थी। देन कैफीन डिपेंडेंस, आप सभी को पता है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो चाय और कॉफी है उनकी हैबिट फॉर्मिंग एबिलिटी होती है। जैसे जो लोग नशा करते हैं, जैसे कि जो ड्रग्स लेते हैं, चरस भांग गांजा लेते हैं, ठीक है, हेरोइन वगैरह यूज करते हैं, तो उन लोगों को जिस तरह से हैबिट फॉर्मिंग हो जाती उसी तरह से जो लोग सुबह चाय पीते हैं और ऑफिस में चाय पीते हैं तो उन लोगों को उसी टाइम पर चाय पीने की हैबिट हो जाती है, वो लोग चाय छोड़ ही नहीं सकते। और जिस दिन भी हम चाय नहीं लेते या कॉफी नहीं लेते तो हम लोगों को लगता है कुछ ऐसा है कि जो हमने मिस किया है, या सरदर्द होता है, या थोड़ा मूड जो है हमारा सही नहीं होता, इरिटेबल मूड होता है, या फिर क्या होता है, हमें थकान महसूस होती। तो एक्चुअली होता क्या है, कैफीन क्या है, हैबिट फॉर्मिंग स्टिमुलेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर कैफीन जिस दिन भी आपकी बॉडी में नहीं जाएगा उस दिन क्या होगा, हेडेक होगा, इरिटेबिलिटी होगी, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ेगी और फटीग होगा, मतलब कि जो
थकान दर्द महसूस होंगे आप लोगों को, तो ये सभी कैफीन विड्रॉवल के सिम्टम्स हैं। तो ये देखिए कैफीन विड्रॉवल के सिम्टम्स जो हैं एक बुक में पब्लिश हुए हैं, इस बुक्स पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि कैफीन विड्रॉवल के सिम्टम्स क्या क्या हैं। यहाँ पर आई होप आप लोगों को सारा सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मैंने साइड इफेक्ट बताए हैं ये हाई कंजप्शन पे हैं, जो लोग ज्यादा लेते हैं उसके लिए है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि जो भी चीजें मैंने आप लोगों से शेयर की है वो वर्थ शेयरेबल है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय भारत, जय हिंद।